चाईबासा में चावल कारोबारी वेदांत खरवाल के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने 8 बैग में सामान लेकर गई है। सूत्रों की माने तो बैग में गहने और जमीन के कागजात हैं। वहीं लैपटॉप, हार्ड डिस्क और मोबाइल भी टीम ने जब्त किया है। तो चाईबासा में चावल कारोबारी के आवास पर जो ईडी की रेड चल रही थी, रेड खत्म हो गई है और सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि 8 बैग में ईडी की टीम सामान भरकर ले गई है। बैग में गहने और कागजात होने की खबर सामने आ रही है। सुबह से पूरे झारखंड में ईडी की दबिश चल रही थी। 25 स्थानों पर ईडी ने एक साथ कार्रवाई की। राजधानी रांची से लेकर चाईबासा तक, चाईबासा में 2 जगहों पर ईडी की कार्रवाई चल रही थी। एक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास और दूसरा चावल व्यवसायी वेदांता खेरवाल के आवास पे। मेरे पीछे का जो दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देख लीजिए, यहीं पे ईडी की कार्रवाई चल रही थी। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले ईडी की टीम यहाँ से निकल गई है। कुछ कागजात, कुछ बैग, 8 बैग टोटल मंत्री के आवास और यहाँ से 8 बैग बरामद किए गए हैं और वो सारे बैग ईडी के जो लोग थे वो अपने साथ लेकर यहाँ से गए हैं। कयास लगाया जा रहा है कि उसमें कुछ बैंक के पासबुक होंगे, जमीन के कागजात होंगे और कुछ सोना और साथ साथ पैसा भी हो सकता है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई चाईबासा में संपन्न हो गई है, लेकिन अन्य जगहों पर, राजधानी रांची में अभी भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, पूरे झारखंड में एक राजनीतिक भूचाल शुरू हो गया। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और उसके बाद ईडी ने स्वतः अपना काम किया। और जो सूत्र बताते हैं कि सुबह के लगभग 4 बजे ईडी दबिश दी और 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, यानी लगभग 12 घंटे तक ये कार्रवाई चली और उसके बाद ईडी की टीम यहां से वापस लौट गई है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, चाईबासा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।